हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की एक और केस स्टडी करेंगे सीबीएसई एग्जाम 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से इफ टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस गेट अप्लाइड टू ईच ऑफ देम अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को हमें इस तरह से करना है कनेक्ट करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे तो उसके लिए हम उसको पैरेलल में करना पड़ेगा तो यह हम सभी को पता है कि जब रेजिस्टेंस को पैरेलल में करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है द करंट फ्लोइंग थ्रू टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल हाउवर नोट द सेम करंट हमारा सेम नहीं होता है ठीक है वेन वी हैव टू और मोर रेजिस्टेंस ज्वाइन पैरेलल टू वन अनदर देन द सेम करंट

से निकाल सकते हैं लेकिन इस क्वेश्चन में और सभी स्टूडेंट्स को मैं बता भी देता हूँ कि जब भी हम तीन रजिस्टेंस या तीन से ज्यादा रजिस्टेंस को पैल में कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विलेंट रजिस्टेंस आता है वो जो सबसे छोटा होता है उससे कम आएगा हमेशा यानी इसका आंसर हमारा क्या होगा सी ऑप्शन होगा लेस देन टू क्योंकि टू सिक्स और एट में सबसे छोटा टू है तो जो रेजिस्टेंस है वो टू से कम आएगा ये बात आपको याद रखनी चाहिए पूरे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट पार्ट है वायर ऑफ रेजिस्टेंस ट्वेल्व ओम कट इन थ्री इक्वल पीसीस एंड देन ट्विस्ट इट देर एंड टूगेदर ठीक है एक वायर है जिसको ट्वेल्व ओम का है इसको तीन पार्ट कर दिए गए हैं और उसके जो एंड्स हैं टुगेदर उनको ट्विस्ट कर दिया गया है है ना तो ट्विस्ट का मतलब है कि इस तरीके से हमें वायर को इस तरह से आपस में ट्विस्ट कर दिया यानी वो पैरेलल हो जाएंगे तीनों वायर जो है हमारे पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो एक वायर का रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 दूसरे का 4 और तीसरे का भी 4 तो 1 अपॉन आरp पर बता चुके हैं इक्वल टू वन अपॉन फोर को थ्री टाइम्स करेंगे तो थ्री बाई फोर तो रजिस्टर थ्री ठीक है तो ये समझ में आ गया पार्ट है resistance are connected, ये figure में given है कि रेजिस्टेंस को ए और बी में कनेक्ट किया गया है तो ये तीनों पैरेलल है, है ना साफ पता चल रहा है कि तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल है तो इसमें भी हम इक्विल निकालेंगे तो उसके लिए हमें फॉर्मूला जो ऊपर बताया गया है वो अप्लाई करना पड़ेगा तो कर लेते हैं वन वन अपॉन अपॉन इक्वल सिक्स वन 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 अपॉन अपॉन थ्री तो ले, ले लेंगे सिक्स आ गया वन प्लस टू प्लस सिक्स नाइन बाई सिक्स तो पैरेलल में कितना आ गया टू बाई थ्री रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3 यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जरा ध्यान से समझेंगे सभी फोर्थ पार्ट में उसने फिगर गिवन है और ये पूछा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन हमारा सही होगा तो वो देख लेते हैं पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है ठीक है तो 5 i1 वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वी इक्वल आई टू आर तो यहाँ पे वोल्टेज है फाइव इंटू आई वन टेन इंटू आई टू और फिफ्टीन इंटू आई थ्री तो इसको अगर हम सबको डिवाइड कर दें फाइव से तो आई वन टू आई टू थ्री आई थ्री यानी कौन सा ऑप्शन होगा वन टू थ्री यानी ए ए पार्ट हमारा इसका आंसर होगा करंट इन ईच ये रेजिस्टेंस दे रखे हैं इनमें कितना करंट होगा हर किसी में ठीक है अब हमें पता है कि पैरल में करंट जो है अलग अलग होता है लेकिन अलग अलग भी हो जाता है लेकिन कभी कभी सेम भी आ जाता है जब रेजिस्टेंस और वोल्टेज सेम है तो तो यहाँ पे हमें एक बात तो पता है कि वोल्टेज हमेशा सेम रहती है पैरल में हर रेजिस्टेंस में वोल्टेज सेम होती है तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी है थ्री वोल्ट और रेजिस्टेंस है इतना तो करंट कितना होगा यहाँ पे V अपॉन आर थ्री अपॉन ट्वेल्व यानी वन अपॉन फोर तो क्योंकि सब जगह सेम ही है इसलिए वन अपॉन फोर हमारा आंसर आएगा जीरो पॉइंट टू फाइव तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा तो ये केस स्टडी था बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट केस स्टडी है इलेक्ट्रिसिटी की उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा थैंक यू वेरी मच